ओ भाई भीड़ देखो यार, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है, सब जगह देख लिया हम। अभी ऊपर से आए नीचे, हमने सोचा यहाँ मिल जाएगी जगह, यहाँ भी नहीं मिल रही। तो गाइस फाइनली सीट मिल चुकी है और बैठा नहीं है, लेट गया सीधा। हमने ऑर्डर करे हैं अभी 2 हाफ बटर चिकन और 15 रुमाली रोटी। हेलो गाइज, आई एम भाई सैफी एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम जा रहे हैं, पता कहाँ आ रहे हैं आज हम? असलम चिकन, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है दिल्ली में, जामा मस्जिद के पास। वहाँ पर नॉन वेज मिलता है, मतलब चिकन भी मिलता है और मटन भी मिलता है, मटन कबाब, चिकन कबाब और टिक्के भी मिलते हैं, बटर चिकन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ हम जा रहे हैं आज, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पर, पहले भी जा चुका हूँ मैं कई बार। और तो वहाँ पे चलते हैं, तो इस बार मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। तो वहाँ पर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से। तो वीडियो को आप कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब फटाफट से और बेल आइकन भी दबा लेना। और गाइस मैं वहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना एड्रेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं फटाफट और वहाँ पर करते हैं इन्जॉय। बिल्कुल शांत है, बस आधी सुधी में जा रहे हैं भाई कहीं है। हाँ बिल्कुल शांत बैठे हैं नजीब भाई, देखना यार सब। अब थोड़ा खड़ दो उतारो, गाड़ी वाड़ी को हिलाओ इसे भाई, थोड़े मोटे साथी में जा रहा क्या? तो गाइस दिखा देता हूँ कौन कौन जा रहे हैं। अनस है, अनस शकल तो दिखा दे। भैया हमारी अल्लमिया की भैंस है। अरे राशिद भाई और शादमान, इनको तो आप जानते हैं, केजरीवाल के प्रमुख आदमी है। अरे नजीब भाई अपने ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है, किसी को कुछ काम हो तो कमेंट कर देना, आपका काम हो जाएगा। इस एरिया में अपने मंडावली एरिया में पूरे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राज करता हूँ। राशिद भाई कार पे धर्राटे कटवाओ, कटवाओ धर्राटे पे, मोटे धर्राटे काट रहा है पूरे ये। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद के पास और अभी हम जा रहे हैं असलम चिकन पे। तो टाइम तो ज़्यादा हो चुका है, 10 बजने वाले हैं, अगर खुला होगा देखते हैं पहले वहाँ चल के, वैसे खुला ही होता है रात में, तो चलते हैं फिर देखते हैं वहाँ पे। और अभी गाड़ी पार्किंग में लगाई है हमने। यस गाइस, हमारे ज़माने में ये सड़कें एकदम प्लान हुआ करती थी। अच्छा जी, कौन से ज़माने के हो तुम? सन 1940। नहीं भाई सन 1940 के नहीं, सन 2002 के हैं, हमारे ज़माने में सड़कें प्लान हुआ करती। ज़माने की तो बात ऐसे करती भाई। और आज देख लेंगे क्या हाल है। तो गाइस यहाँ पर आगे वो भी है कुरेशी कबाब कॉर्नर, तो वहाँ का भी मैंने ब्लॉग बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे भी जाके देख लेना ठीक है। भाई मास्क क्यों नहीं उतार रहे भाई, ठंड लग रही है क्या? हाँ भाई। तो गाइस देख सकते हैं सामने वो रही जामा मस्जिद, तो फिलहाल तो बंद है, रात हो रही है ना, रात हो रही है। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं शायद। नहीं अगर कहो तो हम अभी खुलवा दें इसको। खुलवा दोगे? नहीं अगर आप कहो तो हम खुलवा देंगे। खुलवाओ चलो, खुलेगी अभी, हमारा जी नहीं है ना। तो गाइस यहां लगती है मार्केट, मीना बाजार है पूरा, देख सकते हैं सामने जामा मस्जिद के सामने। और यहाँ का भी मैंने व्लॉग बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान मिलता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्राइस पे। और ये देखो जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के सामने लगती है मार्केट, और बहुत सारा सामान मिलता है यहाँ पे दिन में सारा सामान, और संडे को चोर बाजार लगता है यहीं सामने। और वहाँ का भी मैंने व्लॉग बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइस ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया व्लॉग है। तो बस इस रोड को पार करते ही तो आगे गली में जाना हमें, वहीं पर है असलम चिकन, तो चलते हैं वहाँ पर। ये देखो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको खाने पीने के सब में ज़्यादा ऑप्शन यहीं पर मिलेंगे दिल्ली में, यहाँ पर आप ज़रूर आना अगर आप कहीं बाहर से दिल्ली में आते हैं कभी। देखो तो गाइस अगर आप कभी यहाँ पर आओ दिल्ली, तो यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना, यहाँ पर खाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितनी सारी शॉप है, ये देखो। और भाई खुशबू तो अलग ही आती है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा दिल्ली 6 का एरिया और यहाँ पर बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी आपको। हम पहुंच चुके हैं सामने, देख सकते हैं आप वेरा असलम चिकन, तो अंदर चलते हैं फटाफट।
यहाँ पर रहती है बहुत ज्यादा भीड़। अभी हम अंदर गए थे, देखो कितनी भीड़ है। तो देखो भीड़ इतनी हो रही है ना, जगह ही नहीं मिली अंदर जाने की। और ऊपर भी फ्लोर है इसमें, और देख सकते हैं आप, सब फुल है ऊपर तक। तीन फ्लोर का है और तीनों फ्लोर फुल है इस टाइम अभी। और रात का टाइम हो रहा है फिर भी देख सकते हैं आप इतनी भीड़ है। तो आप खुद ही समझ जाओ कि कितना फेमस हो गया, कितने लोग आते हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी हम आए हैं थर्ड फ्लोर पर और सारे फ्लोर फुल मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। सारे फ्लोर फुल है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही, अब क्या करें यार। देखो नीचे से आए हम अभी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं फोर्थ फ्लोर पे और अभी हम छत पे जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर बनने कबाब। और ऊपर भी पूरा फुल है, छत पे आ गए हम। देखो छत पे आ गए क्या हम? अरे टीन खाली है, चिड़ाई निकाल ली। तो गाइस ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। ओए तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा दिख रहा है नीचे का। तो गाइस यहाँ पर आकर हो गई है एक प्रॉब्लम, हम नीचे से ऊपर तक सब जगह देख लिया, कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। तो वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए अब वेट करते करते। ओ भाई भीड़ देखो यार, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है। सब जगह देख लिया हम, अभी ऊपर से आए नीचे, हमने सोचा यहाँ मिल जाएगी जगह, यहाँ भी नहीं मिल रही। तो यार क्या करें, अब वेट करना पड़ेगा, 10 तो वैसे ही बच चुके हैं। तो गाइस फाइनली सीट मिल चुकी है और बैठा नहीं है, लेट गया सीधा, लेट हुआ। तो ये सीट मिली है वाइज को और नजीब को, लेट गया यहाँ पे भाई। तो गाइस फाइनली एक घंटे के बाद हमें सीट मिली है, यहीं खड़े थे बहुत देर से और सब बैठ चुके हैं अभी। और अनस भी है रहा भाई, अनस ऑर्डर आने में मुझे लग रहा है एक घंटा तो लग ही जाएगा, लगना चाहिए। 11 से ज़्यादा नहीं हुआ अभी, 10:30 हुए, ग्यारह के आसपास ही है, फिर भी टाइम लगेगा अभी। तो गाइस अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगाना है। हाँ भाई क्या मंगाना है? ये कह रहा है चिकन टिक्का, ये कह रहा है चिकन टिक्का, ये क्या कह रहा था? काली मिर्च, काली मिर्च खाएगा? लाल मिर्च, अनस लाल मिर्च बोल। अनस तू क्या खाएगा? लाल मिर्च। जल्दी बताओ भाई, अरे वैसी देर हो रही है, जल्दी बताओ क्या मंगाना है। बालकनी है भाई, बालकनी। तो गाइस अभी हमने मेन्यू पूछा तो भाई ने मेन्यू बताया, बटर चिकन, बटर टिक्का और एक फिश का आइटम था कुछ। तो हमने क्या ऑर्डर किया है अभी? हमने ऑर्डर करे हैं अभी 2 हाफ बटर चिकन और 15 रुमाली रोटी। और बाद में फिर देखते हैं क्या मंगाएंगे, फिलहाल अभी आता है हमारा ऑर्डर, फिर वो दिखाता हूँ आपको। देखो ऑर्डर नहीं आया, प्याज पहले ला के रख दिया, देखो तो प्याज खा के देखते हैं एक्स्ट्रा प्याज। तो ये आ चुका है हमारा बटर चिकन, 2 हाफ बटर चिकन मंगाए थे हमने। अरे यार शादमान ने तो स्टार्टिंग भी कर दी, हम बैठे रह गए बिना रोटी के। हम तो इसलिए बैठे थे, रोटी आएगी अभी, शादमान खा गया यार पहली। तो गाइस देख सकते हैं पूरा सामान आ चुका है हमारा। So I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. मेन वाले रोड पे हो रहा। तो भाई देखो जब हम आए थे पूरी मार्केट लग रही थी यहाँ पर, और अभी देखो खाली हो गया पूरा। चलो चलो खाली करो। अरे सस्ते ने से कहा सर। वे अनस तू ये देख के तो कुत्ते बड़े आ रहे हैं यार पीछे, देख देख वो आ रहा। तो गाइज हम आ चुके हैं बिल्कुल मेन वाले रोड पे, और गाइज ये जो रोड है ना सामने आगे की तरफ, वहाँ पर लगता है चोर बाजार सुबह सुबह। तो संडे को वहाँ का भी मैंने ब्लॉग बनाया, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है और बहुत बढ़िया ब्लॉग है चोर बाजार का, तो उस वाले को भी ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी हम आ चुके हैं पार्किंग पे, ये भी पार्किंग,
और पार्किंग से गाड़ी लेके फिर चलते हैं घर। टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। इतनी जल्दी क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे वो 10 का नोट पड़ा था, अंदर उठा रहे वो पहले। अच्छा इसलिए बैठे हैं सब में पहले साथ मान भाई। हाँ चलो 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 बैठो 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 चलो यार, पहले मोटी कटिया घुसाओ इसे। अबे चल यार बैठ जा, कहीं तू फंसने का, ये फंस गया देखो। भाई गाड़ी देखो साफ हो रही है, ब्लॉग बनाया था मैंने साफ करने का, लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस जब हम जा रहे हैं घर, वहां से हम आ चुके हैं और वो टिक्के जो थे ना बटर चिकन काफी बढ़िया थे भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट था, मजा आ गया। तो आप भी जरूर जाना एक बार, वहां पे गए तो अच्छी बात है, नहीं गए तो एक बार जाना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।